देखिए बात तो बहुत छोटी सी थी। ये लोग म्यूज़िक चला रहे थे लेट नाइट, तो उनको रिक्वेस्ट करी गई कि भाई थोड़ा म्यूज़िक आप धीमा कर दीजिए। और घर में दो तीन लोग हमारे बीमार थे, तो दो तीन दिन से हम लोग काफ़ी जगे हुए थे, तो इसलिए उनको बोला गया कि आप ज़रा म्यूज़िक धीमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने के आया तो वो वापस आ गया कि ठीक है, तो उन्होंने बोला। लेकिन फिर 12:30 बज गया, तब तक म्यूज़िक खूब तेज़ तेज़ चल रहा था, शोरगुल कर रहे थे वो लोग। तो 12:30 बजे फिर उसने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पे, और पुलिस आई तो फिर उन्होंने म्यूज़िक को बंद किया। मुश्किल से 10 मिनट बंद था, पुलिस जैसे ही गई उन्होंने वापस से फिर उसको चालू कर दिया, और चिढ़ के थोड़ा और उन्होंने तेज़ तेज़ और ज़्यादा वॉल्यूम और शोरगुल कर रहे थे। तो फिर बेटे ने दोबारा पुलिस को फिर सुनता रहा पहले तो थोड़ी देर, फिर 1:20 पे करीब फ़ोन किया। और बेटा मेरा मेजर है आर्मी में, अभी छुट्टियों में आया था, तो उसको उसका बेबी 2 साल का है, उसको काफ़ी तबीयत ख़राब थी, और जो है उसकी वाइफ की भी तबीयत ख़राब थी उस दिन, बल्कि इनफैक्ट उस समय उसको काफ़ी वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो रही थी। तो सब लोग हम लोग जग ही रहे थे, परेशान थे। उसमें जो है दोबारा उनको बोला गया, फिर 1:20 पे उसने दोबारा पुलिस को फ़ोन किया कि भाई म्यूज़िक आपने बंद करवाया, वो लोग सुन नहीं रहे हैं। तो पुलिस वाला आया और उसने फिर मेरे बेटे को भी फ़ोन किया कि आप भी आ जाइए यहाँ पे। तो फिर वो 1:30 बजे के करीब फिर वो गया वहाँ पे, 1:30 बजे के आसपास। फिर उसने पुलिस वाले को बोला कि भाई आप देखिए, तो वो लेकिन वो सब काफ़ी एग्रेसिव मूड में, लड़ने झगड़ने के मूड में थे और अकड़ रहे थे बहुत, और उसको बेटे को धमकी दे रहे थे कि हम लोग देख लेंगे, तुम्हारा घर देखा है हमने, और इस तरह की बात कर रहे थे। तो बेटे ने पुलिस वाले से ही कहा कि भाई आपके सामने ये बदतमीजी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे। और उसमें से एक आदमी बोल रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं मालिक हूँ, और एक बता रहा था मैनेजर अपने आप को। तो सब बहुत अकड़ रहे थे, फिर बाद में कुछ उनको समझ में आया होगा, तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप जाइए, मैं बंद कर दे रहा हूँ। और तो वो 3 बजे के आसपास बहुत तेज़ तेज़ जैसे लगा कि कुछ धड़ाम धड़ाम की आवाज़ हो रही है। तो वो लोग वहाँ से, एक वो जिम वाला रॉड था उससे उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा, गाड़ी बाहर ही खड़ी थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हॉस्पिटल जाना हो तो हम लोग गाड़ी बाहर खड़ी कर देंगे। तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ा, फिर जो है उन्होंने उसमें डीजल पेट्रोल जो कुछ भी डाला, और उसके बाद उन्होंने आग लगा दी। तो ये चीज़ जो है, फिर सायरन गाड़ी का बजने लगा, तो हम लोगों ने उसमें देखा स्क्रीन पे सीसीटीवी पे, तो गाड़ी जल रही थी। तो फिर जो है हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, और आए, पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड वाले भी आए जल्दी, 15 मिनट में पहुँचे। लेकिन फिर जो है उसके बाद उन्होंने आग वाग बुझाई, तो आगे का तो सब आपको पता ही है। बस इतनी सी बात थी, सिंपल सी, बहुत छोटी बात थी भाई। एक रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। इतने टाइम से चल रही, कोई इसका विरोध नहीं किया आज तक? विरोध देखिए, अगर हम अकेले अकेले जाके बोलेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टियां हुआ करती हैं इस होटल में? पार्टी होती है आए दिन जो है इनके गेस्ट, और वैसे भी ये होटल होटल सब इस सब बहुत अच्छे कामों के लिए तो नहीं इस्तेमाल होता है, सबको पता है। लेकिन ये लोग एक हटता है तो इसके पहले फिर दूसरा खुल जाता है, तो कितना आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा। जो नियम है कि नहीं होना चाहिए, अगर ये चीज़ हो जाए ना कि हो ही ना, तो शायद हम लोगों को जो है सिक्योरिटी ज़्यादा फील होगी, यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। लेकिन अभी ये जो हादसा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और सब लोग एकदम अंदर तक हिल गए हैं कि इतनी बड़ी हिम्मत की यहाँ पे आके तोड़ के आप ये सब कर रहे हो, पूरा आग लगा दिया। और अगर आग लग जाती है, गैस का पाइप यहाँ पे गया हुआ है, बिजली का सब देख रहे हैं आप इतनी पास, तो बस। थैंक यू। पूरा प्रकरण है ये यहाँ का? देखिए, गोमती नगर थाना क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर होटल मिलानो कैफ़े नाम से एक होटल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। इस होटल के जो लोग हैं ओनर, वो स्वयं अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे थे 8 और 9 की रात्रि में, और तेज से म्यूज़िक चला रहे थे। उन्हें पहले से भी शिकायत थी कि वो जब भी यहाँ पर देर तक नियमों का उल्लंघन करते हुए म्यूज़िक इत्यादि बजाते थे, शोरगुल करते थे, तो ये आसपास के लोग शिकायत करते थे। तो परसों 8-9 की रात्रि में जब यह कृत्य किया गया इनके द्वारा, तो लगभग 11:30 बजे म्यूज़िक बहुत ज़ोरों से बज रहा था, और यहाँ लोगों द्वारा आपत्ति करने पर इनके द्वारा गुस्से में आकर यहाँ जो मेजर एक रहते हैं उनके गाड़ी को जला दिया गया, और उसके पश्चात फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची और आग बुझाई गई। इस प्रकरण में FIR पुलिस द्वारा तुरंत दर्ज कर ली गई।
आग जलाने की और इकट्ठा होकर यहाँ लोगों परेशान करने की 147, 435, 436 धाराओं में, और 7 लोग जो यहाँ थे उन 7 अभियुक्तों में से 5 को पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन 5 में शिवम नामक जो इस होटल का मालिक भी शामिल है, और इसके पश्चात अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस की कार्रवाई प्रचलित है। LDA को भी सूचित किया गया और LDA द्वारा कल ये इस होटल को सील करा दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अब हमने अभियान चलाया है और जनपद में जितने भी ऐसे भवन हैं जो रेजिडेंशियल हैं और जिनमें होटल संचालित हो रहे हैं, उन सभी को हम LDA को अनुरोध कर सील कराएंगे। किसी भी अवस्था में गैर कानूनी तरीके से इस प्रकार के होटल संचालित होने नहीं देंगे। और साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि रात्रि 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अनुपालन करते हुए आवश्यक है कि तेज वॉल्यूम में म्यूज़िक ना बजाया जाए, शोरगुल ना किया जाए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए, अन्यथा हमें प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ेगा।